देश के सेनाओं को और आपके आदम शक्ति और साहस जुनून की वीरता की कद्र करता है संपूर्ण भारत। मैं आपको करता हूँ सदैव अभिनंदन, नमन, सलूट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जीएसटी टैक्स को लेकर छापेमारी चल रही थी। छोटे बड़े शहर, कस्बा, गांव के दुकानदार काफी भयभीत हो गए थे। शहर दर शहर जीएसटी टैक्स के अधिकारी पहुंचते ही पूरा शहर सन्नाटा और शटर डाउन हो जाती थी। सभी छोटे बड़े दुकानदारों के चेहरों पर खुशी ही गायब हो गई थी, क्योंकि छोटे बड़े दुकानदारों की जो चिंता थी वह जीएसटी को लेकर। आपको बताते चलूं, दुकानदारों को बहुत ही खुशी अब मिल रही है, क्योंकि यह खुशियाँ खबर जो आ रही है वह जीएसटी की छापेमारी अब स्थगित कर दी गई है। किसी भी छोटे बड़े दुकानदारों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी अपनी दुकानें खोलें और समय से जीएसटी टैक्स दुकानदारों को समय से देनी चाहिए। आपको ले चल रहा हूँ, या फुटेज देख रहे हैं, राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड फास्ट अनंजय कुमार राजी की जुबानी से आप सुनिए। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही थी? नहीं, लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो, सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं, तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लोग अपना व्यापार करें, क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, एसआईबी यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जाँच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।